हाय, कैसे हो तुम? सब बढ़िया? तो आज इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आप ही लोगों ने मुझसे पूछा है। सवाल यह है कि भैया, शुड आई टेक अ ड्रॉप ड्रॉप लू क्या फॉर गेट? तो इस क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। अब सबसे पहला पॉइंट यह है कि यार, मैं कोई कोचिंग सेंटर तो हूं नहीं कि तुमसे पैसे ले लिया हो या पैसे लेना चाहता हूं ताकि, और मैं तुमको बोलूं कि जाओ ड्रॉप ले लो, गेट की प्रिपरेशन करो, मुझसे करो, पैसे मुझको दे दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें मिला ये या ना मिले, मुझे तो पैसों से मतलब है, तो मेरा कोई सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट तो है नहीं। तो हम लोग दो दोस्त मिल करके अच्छे से बैठ करके डिस्कस करते हैं कि क्या करनी चाहिए, और हम तीन मेजर पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट पॉइंट ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर सिलेक्शन इन ग्रेट कॉलेजेस। इस कम्युनिटी पे ना हम सच बात करेंगे, कोई ऐसी बहकी बहकी बात नहीं किया करेंगे। प्रोबेबिलिटी यह है कि 98% तुम में से फेल हो जाओगे। यू कांट मेक इन टू ग्रेट कॉलेजेस ऑफ द कंट्री। सिर्फ 2 या 1% ही बच्चे सिलेक्ट होंगे। तो ये है प्रोबेबिलिटी, समझ रहे हो? अगर तुम ड्रॉप ले लोगे ना पूरी तरीके से, कोई कंपनी में काम नहीं करके सिर्फ और सिर्फ गेट के लिए पढ़ोगे ना, तो भी तुम्हारे सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 2 या 1% ही है। एंड दैट्स अ फैक्ट। मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी यही कह रहा है। ठीक है, ठीक है, हम चलो अभी सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि मिसहैप्स ड्यूरिंग द गेट एग्जामिनेशन हो सकता है ना। अब सपोज कि तुमने ढंग से प्रिपेयर करी, तगड़े लेवल पे प्रिपेयर करी, 1 साल तक कोई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े नहीं, कोई कंपनी में आप काम नहीं कर रहे और ढंग से प्रिपेयर करी, बट गेट के एग्जाम के दिन कितने सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, कभी सोचा है? फैक्टर वन ये हो सकता है कि अचानक से तुम्हारा पेट खराब हो गया हो, ठीक है, टट्टी पे टट्टी हो रही है। दूसरा फैक्टर ये हो सकता है कि तुम जिस ऑटो रिक्शा में जा रहे थे या जिस गाड़ी से जा रहे थे, अचानक से कुछ एक्सीडेंट हो जाए। थर्ड ये हो सकता है कि तुम जिस कंप्यूटर पे बैठे हो ना गेट एग्जाम देने के लिए, उसका माउस ठीक से काम ना कर रहा हो। पर्सनल तजुर्बे से बता रहा हूं, ये हो सकता है। इस पर कुछ एक और वीडियो बनाएंगे, मैं बताऊंगा मेरे साथ क्या हुआ था। चौथा ये हो सकता है कि सुबह सुबह तुम्हारे गर्लफ्रेंड का एक टेक्स्ट आ गया, तुम्हारा दिमाग फट गया और फिर तुम गेट एग्जाम देने चले गए। कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी सिचुएशन अराइज कर सकती है, और कुछ ऐसी सिचुएशंस लाइफ में होती है जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होती। ओके, और एट द एंड ऑफ द डे गेट एग्जाम तो सिर्फ 3 घंटे का एग्जाम है, तो कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, और इन चीजों पर भी हमें सोचना चाहिए वाइल टेकिंग अ ड्रॉप। गॉट इट? चलो तीसरा पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट ये है की इंपॉर्टेंस ऑफ बैकअप्स इन लाइफ। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कोचिंग सेंटर्स तुमसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें उनका कोई प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा है। अब तुम एक सिचुएशन अराइज करो, फॉर एग्जाम्पल तुम एक पहाड़ चढ़ रहे हो, रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हो। पता है ना रॉक क्लाइंबिंग क्या है? एक स्पोर्ट है। जेसन ममोआ, पता है एक्वामैन, वो ना रॉक क्लाइंबिंग का बड़ा फैन है, उसका कोई भी वीडियो देख लेना। तो फॉर एग्जाम्पल तुम रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हो, चढ़ रहे हो, चढ़ रहे हो, चढ़ रहे हो, ठीक है। अब मैंने तुम्हारे नीचे एक नेट बिछा दिया, तो तुम्हें माइंड में पता है कि अगर गलती से फिसल गया ना तो मैं गिरूंगा तो नेट पे, तो तुम बड़ा रिलैक्स्ड वे में ऊपर टक 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 करके चढ़ोगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने वो नेट हटा दिया, फिर अरे डर के मारे हाथ कांपने लग जाएंगे, तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा, तुमसे वो गलतियां होगी ना जो नॉर्मल नॉर्मल ही नहीं होती। गेम समझ रहे हो? समझ रहे हो मैं कहां पहुंचना चाहता हूं? चीज ये है कि अगर तुम गेट एग्जामिनेशन का प्रिपेयर करोगे बिना किसी जॉब बैकअप के, बिना किसी भी बैकअप के, डर हावी हो सकता है, और मुझे तुम्हारे मेंटल हेल्थ को लेकर मैं रियली रियली वरिड हूं। क्योंकि देखो, मैं बिजनेस तो कर नहीं रहा, मैं चाहता हूं कि तुम गेट एग्जामिनेशन को बिंदास टैकल करो, एक जॉब के साथ टैकल करो, ठीक है। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं, ठीक है। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि जब भी तुम एक ऐसा डिसीजन लेते हो कि क्या तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये 3 पॉइंट्स को बड़े बारीकी से समझो। मेरी साइड से मेरी राय यही होगी कि फुल ड्रॉप मत लो, कोई ना कोई एक जॉब लो, और जॉब के साथ साथ गेट की प्रिपरेशन करो, क्योंकि वो काफी डुएबल है। ओके, अगर तुम 2 या 3, अगर मैं एक बताता हूँ, गेट एग्जाम 4 आवर्स ऑफ डेडिकेटेड प्रिपरेशन अगर एवरीडे दोगे तो बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा। अब जॉब के साथ साथ अगर तुम 4 घंटे नहीं दे सकते हो ना, तो 2 घंटे तो वीकडेज में, और वीकेंड्स में 8 से 9 घंटे दो, डन, आसानी से हो जाएगा प्रिपरेशन, ठीक है।
और दूसरी बेनिफिट यह है कि किस तरीके से प्रेशर को हैंडल करते हैं ये भी तुम सीख जाओगे सर, और ये बहुत बड़ी लाइफ प्रिंसिपल है। ओके, तो बेस्ट सोल्यूशन मैं बताता हूँ, बेस्ट सोल्यूशन ये है कि तुम इंस्टाग्राम पे मुझको डीएम करो, अपनी स्टोरी बताओ, अपनी एक्सपीरियंसेस बताओ और फिर अपना डिसीजन बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो, फुल ड्रॉप लेना चाहते हो या तुम जॉब के साथ करना चाहते हो, मुझको बताओ। उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे, उसके हिसाब से मैं तुम्हें राय दूंगा कि तुम्हें क्या करनी चाहिए। ओके, अब ये एडवाइस जाके कोई कोचिंग सेंटर से मत पूछ लेना, क्योंकि देखो कोचिंग सेंटर्स का मकसद तो यही है ना कि तुमसे पैसे मिल जाए। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ कोचिंग सेंटर्स होंगे जो तुम्हें सही एडवाइस नहीं देंगे इस पर्टिकुलर चीज में। ठीक है, तो ये जो डिसीजन है वो पर्सनल डिसीजन होनी चाहिए, ये डिसीजन तुम्हारी डिसीजन होनी चाहिए। ठीक है, हम जल्दी ही एक कम्युनिटी भी बिल्ड करेंगे 1 या 2 वीक में, जैसे ही थोड़ा सा सब्सक्राइबर काउंट इंक्रीज हो, और वहां पे हम और अच्छे से इस चीज पे बात करेंगे। जब तुम देखोगे कि तुम्हारे जैसे ही सेम सिचुएशन के बहुत सारे लोग हैं ना, तब ये जो डर है वो कम हो जाएगा और सुकून थोड़ी सी बढ़ जाएगी। गॉट इट? तो इसी जज्बातों के साथ हम वीडियो क्लोज करते हैं। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ज्यादातर लोगों को बताओ एंड सब्सक्राइब करो, ताकि जल्दी ही हम एक कम्युनिटी बिल्ड कर सके। और ये कम्युनिटी में ना हम सिर्फ गेट एग्जाम या अच्छे कॉलेज तक ही कम्युनिटी में नहीं रहेंगे, ये कम्युनिटी जिंदगी भर का कम्युनिटी बिल्ड करेंगे, ऐसे रिलेशंस बिल्ड करेंगे जो हमें जिंदगी भर काम आएगी। ओके, तो इसी जज्बातों के साथ रखता हूं।